लौकी के हलवे के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लौकी को कद्दूकस करके रख लिया हुआ है। करीब 1 किलो लौकी है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको मैंने किस कर पानी में डाला हुआ है, क्योंकि अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये काली हो जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ पर कुकर में डाल रही हूँ, जिससे इसमें एक सीटी लगा लेंगे, जिससे जल्दी पक जाएगी और हमारा हलवा भी जल्दी बनकर तैयार होगा। तो सारी लौकी को इसमें डाले लेते हैं, निचोड़ते हुए सारी लौकी को इसमें डाल लेंगे इस तरीके से। और इसमें हम कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके पानी से ही ये लौकी एक सीटी में पक जाएगी। तो गैस को करेंगे, कुकर को करेंगे बंद और गैस पर चढ़ा। मैंने गैस पर कुकर को रख दिया है, करीब 1 सीटी आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। हमारे कुकर में सीटियाँ आ रही हैं, तो हम गैस को करेंगे बंद। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लौकी उबल कर एकदम सीज चुकी है। अब हमें और कितना पानी इसमें आ चुका है देखिए, जबकि मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला था। तो इस लौकी को हम अब कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मावे की कढ़ाई है, इसमें मैंने मावा बनाया हुआ था, तो इसी कढ़ाई में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखिए इसमें कितना पानी है। अभी हम गैस को करेंगे ऑन और इसको इसी के पानी में थोड़ा और पकने देंगे। अभी हम आँच को थोड़ा तेज रखेंगे, जिससे इसका पानी जल्दी से सूख जाए। उसके बाद इसमें हम जो भी डालेंगे, पहले इसका पानी सूखने देंगे। लौकी का हलवा का पानी सूख रहा है, तब तक हम एक झटपट से मावा केसर के लड्डू बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में केसर को सोख होने के लिए रख दिया था, गुनगुने पानी, गुनगुने दूध में। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मावा लिया, उसमें मैं इसको डाल दूँगी। ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर और फ्लेवर बहुत ही प्यारा आता है। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब बूरा ले लिया है नारियल का, मेरे पास इतना ही था। आप चाहें तो थोड़ा बूरा की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 150 ग्राम के करीब नारियल का वो शक्कर का बूरा लिया हुआ है, इसको तगार बोलते हैं वो, तो उसको भी ले लेंगे। या आप फिर मीठा जितना खाते हो उस हिसाब से आप बूरा ले लीजिए। मैं यहाँ पर 150 ग्राम के करीब बूरा ले रही हूँ। इन सबको काफ़ी अच्छे से मिला लेंगे हम। देखिए केसर की वजह से कितना प्यारा येलो कलर आ रहा है, लाइट येलो। इनको अच्छे से मिलाकर इनके लड्डू बना लेंगे हम लोग। देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लिया है, अब इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। लौकी का पानी बिल्कुल सूख चुका है ऑलमोस्ट, तो इसमें मैं करीब 1.5 से 2 कप के करीब इसमें दूध ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब इसमें दूध ऐड कर दिया है। इसको पकाएंगे अच्छे से, बहुत ही झटपट से हलवा बन जाता है अगर आप इसको पहले कुकर में 1-2 सीटी लगवा लेते हो उसमें। तो हमारी लौकी एकदम सूख पक चुकी है, का दूध सूख चुका है। तो इसमें मैं स्टेज पर शक्कर डालूंगी। यहाँ पर मैं 1.5 कप शक्कर, वेट में मेज़र करें तो करीब 300 ग्राम चीनी डाल रही हूँ इसमें। आप क्या जितना मीठा खाते हो आप उस हिसाब से मीठा एडजस्ट कर लीजिए। इसको मिलाएंगे स्टेज पर, हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अगर छोड़ दिया तो चीनी नीचे लग जाएगी। का पानी भी लगभग सूख चुका है हलवे में से, थोड़ा 2 मिनट इसे और पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे, थोड़ा ये एक बार सूख जाए, उसके बाद इसको घी डालकर भूनना है थोड़ी देर। इस स्टेज पर मैं इसमें 8 से 10 कुटी हुई इलायची डालूंगी और मैं अपने मावा के लड्डुओं में भी इलायची डालना भूल गई थी, तो इसमें इलायची और डाले देती हूँ मैं। तो चलिए हम अपने लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं अच्छे से। ऐसे उठाएंगे इनको, ऐसे बनाते जाएंगे। ऐसे बस ये हमारा लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं, इन्हें मैं डेकोरेट करूंगी थोड़ी कलरफुल चेरी से। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप कीजिए, थोड़े अच्छे लगते हैं। ये मैंने घर पर बनाई थी, ये वो चेरी है, इसलिए व्रत में हम इन्हें खा सकते हैं। व्रत के लिए हमारे फलाहारी लड्डू तैयार हैं। अब देखते हैं कि हमारे हलवे का क्या हाल है। चलिए हलवे के पास, इसकी शक्कर सूख चुकी है तो इसमें स्टेज पर हम डालेंगे। थोड़ा घी ऐड करूंगी इसमें, अभी मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं घी ऐड करूंगी। बस तो अब इसको चलाते जाएंगे, इसको थोड़ी देर भुनने देंगे घी के साथ, जिससे इसका फ्लेवर
और अच्छा आएगा। इसमें मैं यहाँ पर थोड़े से काजू ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो, आपको पसंद हो, आप वो इसमें डालिए। अच्छे से गुंज रहा है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है हलवे में से। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 50 ग्राम के करीब मावा ऐड कर दूंगी। ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं हो तो आप इस स्टेज पर इसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हो। मावे से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और मलाई से भी अच्छा ही आएगा। मेरे पास था इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें मावा ऐड किया, अदरवाइज़ मैं भी इसमें कभी कभी मलाई भी ऐड कर देती हूँ। इसको 2 मिनट और भूनना है। हमारा हलवा भुन चुका है तो गैस को करेंगे बंद। अब हम करते हैं अपनी साबूदाना खिचड़ी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, 1/2 लेमन लिया है, 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने अनुसार रख सकते हैं, थोड़ा सा अदरक किसा हुआ, कड़ी पत्ता, 1 मुट्ठी मूँगफली के दाने और सोख के हुए 1 कप मैंने साबूदाना यहाँ पर लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी गर्म होने पर मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी। जीरा डालने के बाद हरी मिर्च, अदरक और कड़ी पत्ता अपने इसमें डाल दूंगी मैं। थोड़ा चटकने दूंगी इनको। आप इसमें से जो व्रत में नहीं खाते हो वो आप स्किप भी कर सकते हो। और ये मूंगफली, इसके बाद मैं इसमें अपना आलू डालूंगी। आलू को थोड़ा भुनने देंगे। आलू को हमें जब तक भूनना है जब तक इस पर एक गोल्डन सी लेयर नहीं आ जाती, अच्छी सी, थोड़ा क्रिस्प नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भूनेंगे। तो हमारे आलू पर थोड़ी गोल्डन सी लेयर आने लगी है तो इस स्टेज पर हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे अपना। इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी सेंधा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, जो रोस्टेड मूँगफली थी वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें मैं अपना 1/2 लेमन डाल दूंगी, नींबू का रस। इसको अच्छे से मिलाकर इसको 2 मिनट ढककर पका लेंगे हम। हमारी साबूदाना खिचड़ी बनकर रेडी है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और गैस को करेंगे बंद। नेक्स्ट रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है समा के आटे का चीला। यहाँ पर मैंने समा के चावल लिए हुए थे 1 कप और उनको मैंने मिक्सी में बारीक पेस्ट कर लिया है। उसी का एक चीला बनाएंगे। इसके साथ हमें किसी भी चटनी, रायते, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार सेंधा नमक, काली मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया इसमें डालेंगे, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें जाएगी, 2 से 3 चम्मच इसमें साबूदाने जाएंगे सोख किए हुए, इसमें 1 उबला हुआ ग्रेट किया हुआ आलू इसमें जाएगा, थोड़ा सा अदरक भी मैं इसमें किसकर डाल, थोड़ी सी रोस्टेड मूँगफली इसके अंदर जाएंगी दरदरी, इसमें 1/2 नींबू का रस या फिर आप दही डाल देंगे, मैंने यहाँ पर नींबू का रस डाला है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक डोसे के बैटर जैसा घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें शुरुआत में। देखिए कुछ ऐसा इसका घोल हम बना लेंगे। इसको 10 मिनट हमें रेस्ट होने के लिए रखना है जिससे इसमें समा का जो चावल का आटा है वो अच्छे से थोड़ा फूल जाए। इतना पतला हमको इसको रखना है और इसे बनाने में करीब मुझे 1.5 कप से 1.25 कप के करीब इसमें पानी लगा है मुझे, तो इसको रेस्ट होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट। देखिए हमारा बैटर को फूलते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं तो इसके चीले बनाना शुरू करते हैं। आज मैंने जो थाली बनाई है बहुत ही कम या लेस ऑयल थाली है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसमें से जो भी रेसिपीज़ आपको पसंद आए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा गर्म होगा तो इस पर हम अपना बैटर डाल, हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है तो इस पर हम अपना बैटर डाल देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे डालना है, आँच को धीमा कर देना है बिल्कुल।
इसको लिड से कवर कर देना है। कवर करके पकाएंगे इसको। एक तरफ से हमारा चीला सीख गया है तो इसे पलट लेंगे। ये मैंने अपना चीला पलट लिया है। इस पर थोड़ा सा मैं घी लगा दूंगी। पलटते पलटते इसको सेक लें। देखिए हमारा चीला बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा चीला भी बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने अपना दूसरा चीला भी इस पर डाल दिया है। इसी तरीके से इसको भी सेक लेंगे। देखिए हमारा चीला बनकर एकदम रेडी है। इसको पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे चारों तरफ से। आप चाहें तो इसमें घी एक्स्ट्रा लगा सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली बनकर रेडी है। काफ़ी हेल्दी है। अगर आपको मुझसे ऐसी और रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी रेसिपी लाती रहूँगी। और अपनी नवरात्रि के व्रत की थाली को एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इसमें खीर मैंने लास्ट में बनाई थी, और अगर मैं खीर का वीडियो इसमें डालती तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें खीर का वीडियो नहीं डाला है। आप अपना मील एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।